वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिजल्ट का प्रतिशत। अगर आप पर रिजल्ट का प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम आपको आज इस वीडियो के द्वारा हर एग्जाम का प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। हमारे पास पहला सवाल है हमारा, हमारे साथ प्राप्त अंक है 360 और पूरा अंक है 600। हमारे जो अंक आए हैं वो हमारे पास 360 और कितने में से आए, पूरा अंक बोलते हैं उसे, 600 में से। तो हमें परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत बराबर होता है जितने अंक आए हैं हमारे, हमें उन्हें लिखेंगे ऊपर। कितने अंक आए हमारे पास, 360। कितने में से आए, पूरा अंक हमारा 600 था बट 600। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। उसके बाद हमें क्या देखते हैं, नीचे से ऊपर की संख्या को हमें काटना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक जीरो से इस एक जीरो को काट सकते हैं और इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कितना बचा, ऊपर 360 और नीचे कितना, 6। 360/6। अब देखते हैं 360 को हम 6 से कैसे कितनी बार काट सकते हैं, 6×36, 6 और 1 0, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 60%। 360 अंक हमारे 600 में से आए तो हमारा प्रतिशत हो गया 60%। यही हमारा आंसर है। और ये हमारा अगला प्रश्न है, यहां पर हमें दिया गया है प्राप्तांक है हमारा 420। हमें 420 अंक मिले हैं, कितने में से मिले हैं, पूरा अंक हमारा 600 है, 600 में से हमें 420 अंक मिले हैं तो हमारा प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत बराबर होता है जितने अंक आए हमारे, हमारे कितने अंक आए, 420, ऊपर लिखेंगे 420 बट्टा कितने में से आए, 600 में से, 600। अब क्या करना है, परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करेंगे। और अब देखेंगे नीचे से ऊपर की संख्या को हम काट सकते हैं, जैसे कि एक जीरो से इस एक जीरो को काट सकते हैं और इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, 420/6। तो हमारे पास यहाँ बचा 420/6। अब देखते हैं 6 से 420 को कितनी बार काट सकते हैं, 6×7 = 42, कितनी बार, 7 बार और 1 0, तो बराबर कितना आ गया हमारा, 70% अंक हमें मिले हैं। जब हमारे पास 600 पूर्णांक था और 420 अंक आए थे तो हमारा 70% रिजल्ट रहा। और ये हमारा अगला सवाल है, यहां पर हमें दिया है प्राप्तांक 405 और पूर्णांक दिया है हमें 500। हमें देखना है 405 कितना प्रतिशत अंक है 500 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक हमारा कितना है, 405/ पूर्णांक 500 गुणा परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नीचे से ऊपर की संख्या कट रही है तो उसे काट सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमारा एक जीरो से इस एक जीरो को काट सकते हैं और यहां पर इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट सकते हैं। कितनी बार कट गए, 1 बार और ये कितनी बार, 5 बार। तो हमारे पास यहां 5 बचा तो ऊपर कितना, 405/5 बराबर, 405 को हम 5 से काटेंगे तो 5×8=40, कितना बचा, 5×5=5, कितनी बार, 81 बार। तो हमारा कितना परसेंट अंक आया, 81%। यही हमारा राइट आंसर है। और यह हमारा अगला सवाल है, यहां पर हमें दिया है प्राप्तांक है हमारा 624। हमारे पास 624 अंक आए हैं, कितने में से आए, पूर्णांक हमारा है 1200। 1200 में से 624 अंक आए तो हमारा कितना प्रतिशत अंक हमें मिले हैं, तो हमें परसेंट में निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिशत बराबर होता है बराबर प्राप्तांक, हमारे प्राप्तांक कितने, 624/ पूर्णांक कितना हमारा, 1200/100। अब देखते हैं हम, देखो नीचे से ऊपर की संख्या हमारी कट रही है, जैसे कि यहाँ 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट सकते हैं तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, 12 और ऊपर कितना बचा, 624। 12 से हम 624 को काटेंगे, 12×5=60
दो बचे, 12 दूनी 24, दो तो कितनी बार कट गया हमारा, 52 बार। तो ये हमारा आंसर है, कितना अंक आए, 52 प्रतिशत अंक हमें मिले हैं।